हमारी सहयोगी रीका रॉय ने संकेत सरगर से बातचीत की है मेडल जीतने के बाद, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। संकेत, पहला मेडल है भारत का, मेडल पहन के कैसा लग रहा है आपको? मेडल पहन के तो अच्छा लग रहा है, और बहुत सारा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि गोल्ड पहनना था और सिल्वर पे मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा नाराज हूँ। टुवर्ड्स दी एंड इंजरी आ गया था, आपने ट्राई किया गोल्ड के लिए लेकिन नहीं हो पाया, इंजरी क्या था, किस तरह की इंजरी हुई? एल्बो में लोड आ गया मेरा और एल्बो से थोड़ा लिवर, डॉक्टर बोले गैप बढ़ गया है तो अभी तो ट्रीटमेंट के लिए जाना है। संकेत, जिंदगी बदल रही है आपकी आज इस मेडल के बाद, उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप संगली से आते हैं, आई नो दैट योर फादर इज अ पान शॉप ओनर, वहां से लेके यहाँ तक आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, थोड़ा तो नाराज हूँ मैं, पर थोड़ा खुशी है कि मेडल आ गया, देश के लिए मतलब देश का मेडल तो आ गया पहले, इसलिए खुश हूँ मैं थोड़ा। और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा कंपटीशन का, कि कैसे होता है कि इतना मैं इतना तैयारी कर रहा हूँ, इतने तैयारी से नहीं होगा और करना चाहिए मुझे तैयारी, तो इतना समझ में आ गया। आपको काफी सारे पैसा मिलने वाला है इस मेडल के तहत, पहला क्या करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू डू फर्स्ट? पहले तो अभी तो कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी पहले सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है और आगे का गोल सेट करके पहले ट्रीटमेंट रिकवरी करना है और फिर उसके बाद देखेंगे। मुझे बताइए, मीरा भाई छानू आपके स्क्वाड का हिस्सा है, उनसे कितनी इंस्पिरेशन मिलती रही आपको? बहुत मिलती है इंस्पिरेशन, और मतलब उनका भी बहुत एडवाइस होता है कि ऐसे करो, मतलब अच्छा, हम जब गलत करते तो हमें बताते ऐसे करो वैसे करो, और अच्छा अच्छे बातें बताते, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है कि उससे हम भी थोड़ा सतर्क होते हैं कि क्या करना चाहिए इस टाइम, क्या नहीं करना चाहिए, तो उनके जो बातें हैं हमारे लिए काम की आती है। संकेत, अपने पेरेंट्स को क्या बताएंगे? पेरेंट्स को तो इतना ही बता चाहूँगा कि मैंने धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस मतलब वेट लिफ्टिंग में डाला और मुझे सपोर्ट किया, कि मुझे कभी किसी की कमी नहीं पड़ने दी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबका, मेरा कोच का, मेरा मम्मी पापा का और विजय शर्मा सर का, सबका, मैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। आखिरी सवाल, अगला पड़ाव क्या है? अभी अगला पड़ाव तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तो पहले इंजरी ये करना है, रिकवरी करना है, उसके बाद ही मैं गोल सेट करूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।